नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन 24। धनबाद से कांग्रेस आई के उम्मीदवार अनुपमा सिंह अपनी इंतखाबी मुहिम में मशरूफ हो गई है और बीजेपी को काफ़ी कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रही है। आज वो कुमारडबी पहुंची और वहां पे गुरुद्वारा में मत्था टेका और वाहे गुरु से दुआ ली। इस मौके पर काफ़ी तादाद में मुगामी लोग मौजूद थे। वो जिस अंदाज से अपनी प्रचार प्रसार चला रही है उससे देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बार बीजेपी के लिए धनबाद की सीट आसान नहीं है और वो काफ़ी टक्कर देगी। मैडम, क्या नाम है आपका? जी, मैं सुनीता सिंह। वाहेगुरु की फतेह, वाहेगुरु की खालसा। आज मैं कुमारडुई में हमारी सांसद प्रतिनिधि प्रत्याशी अनुपमा सिंह को यहाँ अपने गुरुद्वारा में जीता सिंह और पूरे संगत द्वारा तुसी लोग आशीर्वाद दो और इनको कुमारडुबी की हमारी पूरी धनबाद की पूरे सांसद बना के आप लोग अपना बना लीजिए और काम कराइए, क्योंकि ये काम करने के लिए ही आई हैं। इनका नाम का जब अनाउंसमेंट हुआ तो हम लोग देख रहे हैं कि धनबाद हॉट सीट पड़ गया और इनकी एक्टिविटीज़ को, इनकी मेहनत को हम लोग देख रहे हैं। अगर इस इलाके की बात की जाए तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है? जी, प्रॉब्लम मैंने क्या पूछना चाहते हैं? क्या इशू है? कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। हमारी प्रत्याशी बहुत मजबूत दावेदार है और वाहेगुरु की आज आपने देखा कि आशीर्वाद ले रही है और सारी संगत हम लोग के साथ है, तो फिर किस बात की चिंता? किसी बात की चिंता नहीं। वाहेगुरु की फतेह, वाहेगुरु की खालसा, वाहेगुरु की खत्म। कैंडिडेट अगर जीत जाती है तो इनसे पहला काम क्या करवाएगा? जी, आप लोग बताएंगे और आप लोग काम लेंगे अपने सांसद से। सबसे बड़ी बात, जो भी काम है, हमारी जो प्रत्याशी हैं अनुपमा सिंह जी, आप लोग के पास आई हैं सिर्फ काम करने और काम करेंगी। मैडम, कैसा लग रहा है यहाँ का आपको? इस कुमारडुबी गुरुद्वारा में आकर मेरा मन बहुत ही खुश हो गया, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बाबा से आशीर्वाद पाकर, बाबा जी से तो मैंने आशीर्वाद ले ही लिया था, बाकी जीत सिंह दीदी जी सबसे मुझे आशीर्वाद दिलवाई, मेरे लिए अरदास पढ़ाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ आप लोगों की। और आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी, मुझे इतना प्यार दिया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बाबा जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जी सबके दिल में प्यार भर दे, सबको भगवान बाबा जी बुद्धि दे, ताकि लोग समझ पाए कि किसे हमें चुनना है और किसे आगे बढ़ाना है। मैं चाहूँगी कि बाबा जी मुझे धनबाद लोकसभा की सेवा करने का मौका दें। अच्छा मैडम, ये कि आपका नाम का अनाउंसमेंट हुआ तो खासकर देखने लेडीज के चेहरे में मुस्कुराहट जाग हुई, एक उम्मीद जाग गया। मैंने देखा, आपने चूंकि ग्रेजुएट में पॉलिटिकल साइंस में, आपका पॉलिटिकल साइंस में किया है, तो आपने कभी सोचा था कि इलेक्शन लड़ोगे? उस टाइम तो नहीं सोचा था। और बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, मैंने देखा महिलाओं और युवाएं इतने खुश हैं, इतने जागरूक हो गए, इतनी मतलब ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। और महिलाएं तो मतलब पूछो मत, हर वर्ग की महिलाएं इतनी खुश हो रही हैं। मैं जहां भी जा रही हूं, मतलब उन लोगों को लग रहा है कि हाँ नहीं, अब हम लोग इनको इनसे हर बात कर सकते हैं। बोल रही है कि अब अपने पति से नहीं बोलना होगा, अब डायरेक्ट मैं आपके पास आऊँगी, आपसे बात कर सकूँगी, अपनी सभी समस्याओं को आपके पास रख दूँगी। ये मुझे बहुत ही भाव विभोर करता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बोले रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा? देखिए, आप लोग पत्रकार हैं, पत्रकार से बढ़िया कौन जानता है। मान लीजिए अगर हम किसी एरिया में घूम रहे हैं धनबाद में, तो निरसा का क्या हाल है वो बेटर आप जानते होंगे। लेकिन हम आपके चैनल के द्वारा एक बात बोलेंगे कि आज हम लोग 7 दिन से घूम रहे हैं, ये 7 दिन में प्रत्याशी अनुपमा सिंह जी के साथ हम लगातार घूम रहे हैं, कहीं भी किसी भी मोहल्ले में या किसी भी कस्बे में जो हमारे भाजपा के प्रत्याशी हैं, मैं उनका नाम लेना पसंद नहीं करता हूँ, उनका कहीं नाम नहीं आ रहा है। आज जो है आज दौरा था आपके निरसा में, आप घूर रहे, रिस्पॉन्स कैसे मिला लोगों का? देखिए, बोले तो कि रिस्पॉन्स के मतलब है कि इतना उत्साह है लोगों में ना, इतना उत्साह है। और हम पे डिटेल्स में जाइएगा ना तो बहुत लंबी बातें होंगी। चलिए, ये बहुत लंबी, ये सीट क्या कांग्रेस के झोले में जाते हुए दिखाई दे? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने देखिए, आपको मैं एक मुख्य बात बता रहा हूँ, आज से 3 दिन पहले एक पत्रकार भाई, आप लोग बुरा मत मानिएगा, पत्रकार भाई ने हमसे पूछा कि ढुल्लू महतो जी लगातार एक बात बोल रहे हैं कि इस बार 10 लाख पार बोल रहे हैं, आप लोग को भी बोले होंगे, ठीक है। तो पत्रकार बंधु को हम बोले कि देखिए,
मेरा बात को आप बुरा मत मानिएगा, ढुल्लू महतो बाघमारे को लोगों को उल्लू बना सकता है, धनबाद की जनता को उल्लू नहीं बना सकता है, ठीक है।